तो ये मान के चलिए कि एक तरह से गुणवत्ता के ही आसपास वो लोग बेचारा तैयारी किया और अच्छी तरीके से पास किया है। और सरकार ने एक मानदंड भी तय कर दिया कि हम 60% से समान वर्ग में नीचे नहीं लेंगे। ईडब्ल्यूएस को 5% की छूट है, तो महिला को 5% की छूट है और ओबीसी ईबीसी को भी 5% की छूट है, तो उसमें हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल जाएंगे, तो फिर उसके इंटरव्यू की क्या जरूरत होगी। ये तो मेरे मन में एक बात आई जो हमने कहा और उससे उसको इतना तुल भी नहीं देना चाहिए था। आयोग ने अपना विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर लिया है और अधिक से अधिक कल तक जो है ये हम लोग प्रेस में भेज देंगे। उसके बाद वो हो सकता है आज भी चला जाए। विद्यालय के लिए जो SCERT का जो सिलेबस है के हिसाब से जो सिलेबस है वही राज्य सरकार का सिलेबस है, वही राज्य के विद्यालयों में लागू है और वही इस तरह के अध्यापकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए वो सिलेबस होगा प्राथमिक विद्यालय के लिए। और जो 9th-10th और फिर उसके बाद 11th-12th के लिए जो है मामला, उसमें राज्य सरकार के विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो NCERT के पाठ्यक्रम का जो है वही है, इसलिए वो उसी से गाइडेड होगा और वही है। इसलिए अगर किसी भी अभ्यर्थी को सिलेबस विस्तार से अगर समझने की जरूरत है तो वो बस उन्हीं को देख लेंगे तो उनके वो जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो लोगों की एक मांग रही है कि जो भाषा की का जो है उसमें 100 नंबर का है और उसके लिए 2 घंटे हैं और मुख्य पेपर जो है वो भी 2 घंटे के हैं लेकिन उसमें 150 मार्क्स का है। तो इसमें मैं बता दूं कि भाषा का जो है वो पहले भी मैंने स्पष्ट किया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे आपको मेरिट नहीं बनेगा, मेधा सूची उसके मार्क प्राप्तांक के आधार पर नहीं बनेगा। और इसलिए हम लोगों ने उसमें अधिक समय दिया है कि आप आराम से आप करें, उसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य पेपर है वो उसी पर मेधा आधारित होगा, प्रतियोगिता उसी पर है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो जल्दी बना पाएंगे और जो अच्छे नहीं हैं, उतने स्मार्ट नहीं है, वो थोड़ा उनको विलम्ब होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन रखा है, लेकिन हम लोगों ने फिर आपस में विचार करके और अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो 150 क्वेश्चन रखा था उसको घटा करके 120 किया है मेन में। और पहले जैसे 100 और 50 का था कि 100 में उनका नॉलेज टेस्ट था और 50 में उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट था, उसको हमने वो ब्रेकअप को हमने 80 और 40 के रखा है और ये सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए है। अध्यापक नियमावली के तहत वैकेंसी निकाली है जो हम लोगों को बिल्कुल भी मान्य नहीं है, हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम लोग अपना आंदोलन जो है उसको और तेज करेंगे। हम लोगों को कतई ये बर्दाश्त नहीं है कि आम अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक एक साथ बैठे एग्जाम में, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जितना हो सकेगा विरोध करेंगे। और हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में सड़क से लेके सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा देर रात में विज्ञापन जारी किया जाना यह साबित करता है कि बिहार के अंदर में लोकतंत्र नहीं रह गया है बल्कि यहाँ से राजतंत्र की बू आ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गफलत में मत रहिए, आपके अधिकारी आपको भरमा रहे हैं कि आप एक स्कूल में कितने तरह की नियमावली चलाएंगे। पहले जो नियमावली से परमानेंट शिक्षक बहाल है 34,000 कुछ, वो एक शिक्षक उनका नियमावली अलग है। अब आप जब BPSC के माध्यम से परीक्षा लेकर के शिक्षक को रखेंगे उसमें, तो जो उत्तीर्ण कर जाएंगे नियोजित शिक्षक जो 10 साल से पढ़ा रहे थे और BPSC के थ्रू उत्तीर्ण कर गए, उनके लिए एक अलग नियमावली हो जाएगा क्योंकि इनका सैलरी पहले वाले से कम है। जो इसमें फेल कर जाएंगे उनके लिए अलग हो जाएगा। जो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने 3 अटेम्प्ट लिया नहीं, उनका सब अटेम्प्ट बचा हुआ है, वो एक अलग कैटेगरी हो जाएगा। जो अतिथि शिक्षक है उनका एक अलग कैटेगरी हो जाएगा। तो एक ही विद्यालय में 5 तरह के शिक्षक आप क्यों बनाना चाहते हैं? तो इससे विद्यालय का जो ढांचा है, विद्यालय में जो लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए उसमें गिरावट आएगी। और इस तरह से घुमा करके ये क्वालिटी एजुकेशन को प्रभावित करेगी, बुरी तरह से प्रभावित करेगी और डाउन करेगी। जब लोग सरकार को यही लग रहा है
कि शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, तो हर साल जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है, हर साल जब इंटर का रिजल्ट आता है, तो क्यों यही सरकार जो है वो पूरा छाती चौड़ा करके कहते हैं कि भाई हमने बहुत बच्चों को पास करवा दिया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट तो वहीं रहा है आपका। देखिए सरकारी स्कूल में ठीक बात है कि पढ़ाई का दिक्कत है, सरकारी स्कूल बर्बाद है, लेकिन जितना बर्बाद है उससे 10 गुना ज्यादा वो बदनाम किया गया है। और बदनाम इसलिए किया गया है ताकि कोई गरीब बच्चा भी पेट काट करके अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज दे, सरकारी में ना भेज दे। इसलिए बहुत जटिलता इसमें है। कोई परीक्षा क्वालिटी को तभी छांट सकती है जब उसके पास स्क्रूटनी का पावर हो। आप तो स्क्रूटनाइज नहीं कर रहे हैं, छांट नहीं रहे हैं। फंस सकता है, नहीं भी फंस सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है कि उस वहां तक सरकार पहुंचे ही क्यों।